सेट से तो काफ़ी सारी मेमोरीज जुड़ी, मतलब अगस्त महीने में हमारी शूटिंग शुरू हो गई थी, 12-14 घंटा हम लोग यही रहते हैं, सोने के लिए घर पे जाते हैं, कभी 5-6 घंटे भी एसी चलता है, चलता कभी है, नहीं चलता है, तो ऐसे कपड़े पहन के हम शूटिंग करते हैं, मज़ा आता है, मज़ा आता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जोशी और हमारे साथ है मैं हूं श्रीधर वाटसर, आपका तोबा तोबा। और हम आज आपको दिखाएंगे बालवीर रिटर्न्स का सेट एक्सक्लूसिव, और बालवीर रिटर्न्स का पूरा सेट हम दिखाएंगे, भारत नगर दिखाएंगे, इनका काल लोक भी दिखाएंगे अगर है तो और वीर लोक भी दिखाएंगे। तो आपको धीरे धीरे हम एक एक करके पूरे सेट की टूर कराएंगे, तो आइए चलते हैं भारत नगर के अंदर। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा भारत नगर, और सबसे पहले आता है भारत नगर का मंदिर, हमारे गणपति जी। फिर धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है छेड़ा जी की दुकान, जो आपको हमेशा जहाँ पे बालवीर धरती लोग के रूप में काम करता है। इसके बाद और इसके बाद है हमारा भारत नगर का ये कंपाउंड, जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है या फिर बच्चे खेलते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि विवान, गोपू, सुतली सब खेल रहे होते हैं, और आप देख सकते हैं कि हर जगह पे सेट, अभी तो सेट हुआ नहीं है, शूटिंग चल नहीं रहा है, इसलिए अभी फ़िलहाल तो लंच टाइम है, इसके लिए थोड़ा सा सुनसान लग रहा है। अरे पीछे कोई बैठा है, पीछे भैरानी बैठी है शायद, आइए मिलते हैं भैरानी से। भैरानी, हम आपसे मिलने आए हैं, कैसी हैं आप? बस तबाही मचा रही हूँ। भारत नगर में बैठ के आप तबाही मचा रही है, कैसा लग रहा है आपको? ये प्लानिंग मैं रेकी पर आई हूँ एक्चुअली, देख रही हूँ कि इस बार मुझे कहाँ पे क्या तबाही मचानी है और कैसे तुम्हारे मकसद को चकनाचूर करना है मुझे, फेल करने के। मकसद आपका होता है हम चकनाचूर करते हैं, हमारे कौन से मकसद? ऐसी बेइज्जती मत करो। आपका मकसद तौबा तौबा जी बताइए जरा, इनका ही मकसद होता है ना मेरी प्लानिंग्स को चकनाचूर करने का। हर बार वही होता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो आगे बढ़े, यस आगे बढ़ते हैं, और देखा जैसे अपने पूरा भारत नगर है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे एक छोटी सी हमारी गली है, ये देखिए हमारी प्यारी प्यारी किटीज जो सेट पर हमेशा घूमती रहती है हमारे साथ। तो ये हमारा, ये है एक छोटी सी गली जो आप बार बार देखते हैं, जहाँ पे बालवीर चोरी छुपे आता है, पैर होता है वीर लोग से, ताकि किसी को दिखे नहीं, यहीं पे हम शूट करते हैं, यहीं पे अलग अलग सेटअप लगा देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और विवान के घर में, यस विवान का घर ये रहा, जहाँ पे सब अभी लंच करने बैठे हैं, ये है विवान का घर जो आप हमेशा देखते हैं, जहाँ पे करुणा जी, दादाजी और सब रहते हैं, खुशी उसकी बहन रहती है। तो ये जो घर है हमने पूरा सेट बनाया है, और आप देख सकते हैं कि कैसे हमने पूरा सेट डेवलप किया है, यहाँ पे है, अभी तो शूटिंग नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं लाइट्स रखी है, और जैसे कि सीढ़ी है, फिर यहाँ पे हमारे सीन्स होते हैं, यहाँ पे हम सीन्स करते हैं। तो जैसे कि ये डाइनिंग एरिया है करुणा जी का, जहाँ पे हमने कई सारे सीन्स किए हैं, वो किचन बताया गया है। तो इसी तरह से जब सीन की ज़रूरत होती है, जब घर की ज़रूरत होती है, तो हम इसे रीडेवलप कर लेते हैं, और जब ज़रूरत नहीं होती तो एज अ स्टोर रूम यूज़ होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ विवान का रूम। ओके, तो ये है विवान का रूम, जहाँ पे अभी दरअसल थोड़ा काम काज चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सलमान खान का फैन बताया गया है विवान, तो यहाँ पे कई सारे सलमान खान के फ़ोटोज़ हैं, जो खुद हमारे पेंट आर्टिस्ट ने ड्रॉ किए हैं। और ये बेडरूम है, लेकिन अभी थोड़ा अनडेवलप्ड है, लेकिन फिर भी ये हमारा सेट है, हर सेट की यही कहानी होती है, जब ज़रूरत होती है तो इस सेट को प्रॉपरली तैयार किया जाता है, और फिर इसे एज अ स्टोर रूम या फिर किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो दरअसल ऐसा है कि हमारे अभी आने वाले ट्रैक्स में आप देख पाएंगे कि बालवीर और अलादीन एक साथ आ रहे हैं, लेकिन क्यों? दरअसल ऐसा है कि तिमनासा तीन पत्थर चाहती है, भूतकाल पत्थर, वर्तमान पत्थर और भविष्यकाल पत्थर, जिससे वो तीनों काल पर यानी त्रिकाल लोक की रानी बन जाएगी, जो तीनों काल पर राज करती है, या फिर एनी टाइम एनी वेयर वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, किसी भी समय को बदल सकती है। अब ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है,
अब जो भूतकाल मणि है, भूतकाल स्टोन है, वो उसको लाना होगा जफर के पास से, जो आप ऑलरेडी 9 बजे जब अलादीन आता है तब आप उसको विलन के रूप में देखते हैं, जहाँ पे अलादीन का जो जिन है वो भी बुरा बन चुका है। तो बस वही हमारा ट्रैक है आने वाला, कि कैसे तिमनासा और जफर एक होकर वो पत्थर एक इकट्ठा करते हैं, और कैसे बालवीर और अलादीन मिलकर इन सब के सामने लड़ते हैं और अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है। सो एक्साइटेड तो बहुत है, क्योंकि इंडियन टेलीविज़न पर पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे दो शोज़ के हीरोज़, दो शोज़ की स्टोरीज़, ऐसा नहीं है कि एक ही शो में स्टोरी चेंज हो रही है, यहाँ पे जो हो रहा है उसके ही कंटिन्यूशन में आपको 9 बजे अलादीन में देखने को मिलेगा। वो भी यहाँ आएंगे, मैं भी वहाँ जाऊँगा, तो बहुत ही कॉलेप्स हो रहा है और बहुत ही मज़ा आने वाला है व्यूअर्स को, क्योंकि फर्स्ट टाइम देव जोशी और सिद्धार्थ निगम भी साथ में आ रहे हैं, तो हमें भी मज़ा आने वाला है। ये सेट से तो काफ़ी सारी मेमोरीज़ जुड़ी है, मतलब अगस्त महीने में हमारी शूटिंग शुरू हो गई थी, तो ये 6ठा महीना चल रहा है, मतलब यस, और 12-14 घंटे हम लोग यही रहते हैं, सोने के लिए घर पे जाते हैं करीब 5-6 घंटे। नहीं नहीं, बोर तो नहीं होते, हाँ मज़ा आता है। हमारे कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल शो है जहाँ पे आपको स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स ही प्ले करना है, हाँ। हर दिन एक नया सीन है, हर दिन एक नया ट्रैक है, और हर दिन एक नया कैरेक्टर में भी इन्वॉल्वमेंट है, तो इनका जो कैरेक्टर हो तो एकदम अलग ही है। बालवीर का वो जो कैरेक्टर है उसमें हर जगह पर नया नई चुनौतियाँ, नए नए पड़ाव आते हैं, और आने वाले एपिसोड्स में हम पूरे बालवीर को कैरेक्टर को ही चेंज कर रहे हैं, जो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो देखिएगा और बहुत मज़ा आएगा, इसलिए हमारे लिए चैलेंजिंग है तो हाँ। मज़ा नहीं है, और देव और मैं तो पिछले सीजन से ऑफकोर्स साथ में, तो ब्रेक होता है तो एक दूसरे के रूम में ही होते हैं हम लोग, बातें कर रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं तो बातें करते हैं, तो बस वही मज़े करते हैं हम लोग, मजाक पे दिन चला। तो ये आपने देखा कि छेड़ा जी की दुकान है बाजू में, लेकिन उसके पीछे हमने छुपा के रखा है काल लोग, वीर लोग भी इधर ही है। अच्छा आई, तो स्वागत है आपका काल लोक में। आप जहाँ जाएंगे विकी, सच में अंधेरा है यहाँ पे। तो आइए, अभी तो हमारे क्लोज का सेटअप लगा हुआ है इसलिए थोड़ा बंद है, लेकिन अंदर चलते हैं। आइए, तो ये रहा हमारा काल लोक, अभी भी अंधेरा है क्योंकि लाइट्स बंद है, सब लंच करने गए हैं, तो लेकिन पूरा काल लोक भी यहीं बनता है और वीर लोक भी यही बनता है। जी, वीर लोक भी यहीं पे होता है, काल लोक भी यहीं पे होता है। हम ये क्रोमा हटा देते हैं, नीचे लाइव फ्लोर होता है, मिट्टी डालते हैं, और हमारे सेटिंग वाले बहुत मेहनत करते हैं उसको सेटअप को तैयार करने में, तो एट द एंड हमारा काल लोक रेडी होता है। और जब हम यहाँ पे जो गोल्डन कलर की टाइल्स आप व्हील लोक में देखते हैं उसका सेटअप लगाते हैं, तो ये फिर व्हील लोक हो जाता है। तो बेसिकली यही ऊपर सब ये बना हुआ एसी वहाँ से ऊपर से आता है, कभी आता है और कभी एसी कभी एसी चलता है, चलता कभी है, नहीं चलता है, तो ऐसे कपड़े पहन के हम शूटिंग करते हैं, मज़ा आता है, मज़ा बस मज़े करते हैं। और यहाँ पे देखिए आप हमारे कैमराज हैं जो अभी आराम कर रहे हैं, लंच के टाइम पे आराम कर रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं, तो बस अभी का भी काम शुरू हो जाएगा आने वाले 15-20 मिनट में, क्योंकि ब्रेक ख़त्म हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। तो ये आप देखते होंगे काल लोक के पत्थर है, और ये बहुत बड़े बड़े पत्थर है, जो बहुत भारी पत्थर है सच, हाँ, इसलिए आप इसे भारी ही समझिएगा। तो हमारे आर्ट डिपार्टमेंट है, हमारा सेटिंग डिपार्टमेंट है, बहुत मेहनत करता है ऐसे अलग अलग, हर रोज़ चैलेंज के हिसाब से, हर रोज़ रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए पत्थर बनते हैं, नई नई प्रॉपर्टीज़ बनती है, और ऐसे शो में जहाँ पे कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब काल्पनिक है, तो वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी बनाना बहुत मुश्किल होता है, और हमारी पूरी टीम मेहनत करती है, क्रिएटिव टीम मेहनत करती है, तो एट द एंड ये पूरा सेटअप हमारा जो बहुत रेडी होता है और आपको टेलीविज़न पर एकदम लाइव, एकदम सचमुच हो रहा है वैसा दिखता है। फिलहाल तो लंच टाइम हो गया, सब लोग खाना खा रहे हैं, मुझे भी भूख लगी है। ठीक है, तोबा जी आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। ठीक, मैं आगे लेता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो अभी तोबा जी जाएंगे अपने कमरे में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर कलाकार का कमरा है,
हमारी बाल परी है जो फिलहाल काल परी बनी हुई है, और हमारे भैमार जी है, डुबा डुबा है, अतुल जी जो जबदाली का किरदार निभाते हैं, और ये है हमारी भैरानी तिमनासा जिनका दरवाज़ा भी काला है और वो काल लोक की रानी है। लेकिन उसी के बाजू में फिर आता है अच्छाई और सच्चाई के रक्षक सफ़ेद वीर लोक का बालवीर। तो आइए हमारे कमरे में चलते हैं। मैं आई तो ये है बालवीर का कमरा और ये है मेरी मम्मी जी। हेलो। तो आप देख सकते हैं हमारा बड़ा ही नन्हा सा प्यारा सा कमरा है जहाँ पे हमने मेरी सारी फेवरेट चीज़ें हैं वो रखी हुई है। जैसे कि यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये मैं हूँ और मेरे मम्मी पापा हैं, और आप नीचे देख सकते हैं कि मेरे दादा दादी है और मैं हूँ जो अभी हमारे साथ है नहीं लेकिन हमेशा हमारे दिल में हमारे साथ रहते हैं। मेरा एक ही फोटो, एक या दो ही फोटो है उनके साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है हर सुबह मेकअप के बाद मैं उनके आशीर्वाद लेके निकलता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे है हमारे कुछ फैमिली फ़ोटोज़, जैसे कि मेरे मम्मी और पापा, मैंने खुद खींचा था ये फ़ोटो, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। फिर उसके बाद मेरा ये फ़ोटो है, कई सारी फ़ोटोज़ हैं मेरे। ये है मेन चीज़ यहाँ पे बालवीर के तीनों रूप आप देख सकते हैं। सीज़न वन में भी था, सीज़न वन में भी हमने एक और सीज़न लाए थे उसका भी है, और सीज़न टू का भी। तो बालवीर के जितने भी सारे रूप थे अब तक के, जितने भी कॉस्ट्यूम्स हमने बनाए हैं वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मोटिवेट रहता है कि यहाँ से हम पिछले 9 साल से जो जर्नी चलते आ रहे हैं, जो 9 साल से जर्नी चल रही है लोगों के बीच में, वो कैसे चल रही है। और ये है हमारा बेस्ट पार्ट, बालवीर देव जोशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार जो 2019 में दिया गया था 26 जनवरी को। तो ये उसके फ़ोटोज़ हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील कराते हैं कि जो किरदार मैं निभा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज़ कर रही है, और मैं उसे सही से निभाऊँ, उसे पूरी शिद्दत से निभाऊँ, और लोग हमेशा ऐसे ही मुझे प्यार करते रहे। और फिर ये हमारा मेकअप टेबल जहाँ पे एवरीडे मॉर्निंग हमारा मेकअप होता है, और आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा फेवरेट, मेरा बेस्ट फ्रेंड सारेगामा कारवां हमेशा मेरे साथ रहता है ऑन द सेट। और ये है हमारा प्यारा सा कमरा, साथ ही साथ मेन चीज़ ये है हमारे बजरंगबली जी जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं ऑन द सेट, और इनकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहती है एवरीडे मॉर्निंग। इनकी ब्लेसिंग के साथ ही मैं शुरू करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच। सेट पे वो तो काफ़ी फ्रेंडली है, सब लोगों से आके पहले गुड मॉर्निंग करता है, स्पॉट दादा से लेके लाइट दादा, एवरीथिंग जो भी सेट पे मिलता है उनके को आर्टिस्ट के साथ, और रेडी होके फिर फटाफट सेट पे जाते हैं, डायरेक्टर सर, कैमरा सर सबसे मिलते हैं, और सबसे फ्रेंडली है आई थिंक, सबके साथ एज अ फ्रेंडली रहता है, बड़ा हो या छोटा हो, है ना। ऑफकोर्स कभी कभी वो मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे पता है कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं तो वही चीज़ें बार बार करता है, मुझे उस वक्त गुस्सा आता है, मगर बाद में हंसी आती है कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता है।